हेलो फ्रेंड्स, द नॉलेज 73 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के 10 सबसे अमीर देशों के बारे में। तो इसके 10वें नंबर पर आता है कनाडा, जिसका नॉमिनल जीडीपी US $1.60 trillion है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जीडीपी US $1.752 trillion है, जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हिसाब से दुनिया में 10वां आता है। इसके बाद दुनिया के 9वें सबसे अमीर देश की बात करें तो यह देश इटली है, जिसका नॉमिनल जीडीपी US$1.80 trillion है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जीडीपी US$2.303 है, जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हिसाब से दुनिया में 9वां है। इसके बाद दुनिया के 8वें सबसे अमीर देश की बात करें तो यह देश ब्राजील है, जिसका नॉमिनल जीडीपी US$2.14 trillion है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जीडीपी US$3.216 trillion है, जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हिसाब से दुनिया में 6ठा है। इसके बाद दुनिया का 7वां सबसे अमीर देश की बात करें तो यह देश फ्रांस है, जिसका नॉमिनल जीडीपी US$2.42 trillion है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जीडीपी US$2.833 trillion है, जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हिसाब से दुनिया में 8वां है। इसके बाद दुनिया का 6ठा सबसे अमीर देश की बात करें तो यह देश भारत है, जिसका नॉमिनल जीडीपी US$2.45 trillion है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जीडीपी US$9.489 trillion है, जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हिसाब से दुनिया में 3रा है। इसके बाद यदि दुनिया के 5वें सबसे अमीर देश की बात करें तो यह देश ब्रिटेन है, जिसका नॉमिनल जीडीपी US$2.496 trillion है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जीडीपी US$2.90 trillion है, जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हिसाब से दुनिया में 7वां है। दोस्तों, इसके बाद यदि दुनिया के 4थे सबसे अमीर देश की बात करें तो यह देश जर्मनी है, जिसका नॉमिनल जीडीपी US$3.42 trillion है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जीडीपी US$4.13 trillion है, जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हिसाब से दुनिया में 5वां है। तो दोस्तों, इसके बाद यदि दुनिया के 3रे सबसे अमीर देश की बात की जाए तो यह देश जापान है, जिसका नॉमिनल जीडीपी US$4.84 trillion है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जीडीपी US$3.42 है, जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हिसाब से दुनिया में 4था सबसे बड़ा है। दोस्तों, दुनिया के 5वें सबसे अमीर देश की बात करें तो यह देश चीन है, जिसका नॉमिनल जीडीपी US$11.79 trillion है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जीडीपी US$23.19 trillion है, जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हिसाब से दुनिया में सबसे ऊपर है। दोस्तों, इसके बाद यदि दुनिया में सबसे अमीर देश की बात की जाए तो यह देश यूएस है, जिसका नॉमिनल जीडीपी US$19.41 trillion है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जीडीपी US$19.41 trillion है, जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हिसाब से दुनिया में 2रा सबसे बड़ा है। तो दोस्तों, यह थी दुनिया के 10 सबसे अमीर देशों के बारे में जानकारी। आशा है आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे। अगर इस वीडियो के बारे में आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना।